संविधान न लिखते ये भीम जी अगर संविधान न लिखते तो इस देश की हालत क्या होती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे संविधान तो लिखा ही जाता, अंबेडकर नहीं तो कोई और लिखता। अरे मैं कहने वालों को ये बता देना चाहूंगी, आप कहते हैं कि बाबा साहब नहीं तो संविधान कोई और लिखता, संविधान तो लिखा ही जाता, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए दूसरा संविधान बन के तैयार हो चुका है मोहन भागवत जी के द्वारा। लेकिन जिस संविधान में साहब के लिखे हुए संविधान के 131 आर्टिकल्स को बदलने का काम किया गया है, और जिस संविधान को परम पूज्य बाबा साहब ने लिखा उस संविधान के आधार पर इस देश को युद्ध में बनाने का काम किया जाता है। लेकिन जो नया संविधान लिखे तैयार हुआ है इस संविधान के आधार पर इस देश को बुद्ध में नहीं बल्कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का काम किया जाता है। और अगर हम लोगों ने जमानत की हिफाजत नहीं कर पाई तो सड़कों पे आ जाएंगे। सुनिए कि भीम जी अगर संविधान न लिखते तो इस देश की हालत क्या होती, और अपने दुखिले को ये करके हर बहनाए और मारो, अपने दुखिले को ये करके हर बहनाए और मारो। देश की हालत क्या होती, अपने दुख दे बोले हर बहनाए और मारो। और कहा है नारी को सम्मान न मिलता दास बन के रह जाती, तन पे वस्त्र नहीं होते पत्थर की मूरत कहलाती, पत्थर की मूरत कहलाती। कहा कि नारी को सम्मान न मिलता दासी बन के रह जाती, और तन पे वस्त्र नहीं होते पत्थर की मूरत कहलाती। एक समय का वक्त वो था मेरी बहनों कि हम और आपको अपना पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर हम लोग अपने पूरे तन को ढकते थे तो तन ढकने का टैक्स देना पड़ता था। यहां तक हम लोगों को अपने स्तर ढकने का अधिकार नहीं था, इसका टैक्स देना पड़ता था। अगर उस समय बहन नांगेली ने उस राजा के सामने अपने दोनों स्तनों को काट के रखना दिया होता, अपनी जान ना देती होती, तो मेरी बहनों आज भी हम लोगों को टैक्स देना पड़ता। बहन नांगेली ने हम लोगों को तन ढकने का अधिकार दिया। बात न कोई उनकी सुनता, बात न कोई उनकी सुनता, जीवन को अपना खोती, अपने दुखड़े को ले लेते हर बहनाए मारोती, अपने दुखड़े को ले लेते हर बहनाए मारोती। Thank you.
कहते कि पैर की जूती होती नारी पहन के फेंक दिया जाता और समझ खिलौना तब नारी को खेल के तोड़ दिया जाता। शूद्र कहा जाता नारी को पशुओं में गिनती होती और अपने दुखड़े को लेकर की हर बहना और मारुती। उस समय यदि सबसे ज्यादा दुर्दशा थी तो अपने समाज की बहनों और बेटियों की, यहां तक जब हमारे घर में किसी भाई की शादी होती थी ना तो सामने वाली नई नवेली दुल्हन के साथ में क्या किया जाता था सुने। डोली उठती जब बहना की एक ठाकुर जी के घर जाती अपनी आबरू और इज्जत को बन के मुंह की बोलती बन के मुंह की बोलती मतलब कहा कि डोली उठती जब बहना की ठाकुर जी के घर जाती अपनी आबरू और इज्जत को बन के मुंह को लुटवा दी। उस नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले अपने घर ले जाते थे, कहते थे कि मैं शुद्धिकरण करूंगा लेकिन और ये भैया नागेंद्र शिक्षा की जी